स्वागत है आपका अपने चैनल रिया इलेक्ट्रिक में। दोस्तों देखिए, सिमेक्स कंपनी का मोटर है और इसमें ये मोटर आवाज़ कर रहा है और आवाज़ करने के साथ मतलब कि देखिए कैपेसिटर का दो वायर था तो दो वायर देखिए सड़ के निकल गया था। तो ये मोटर मतलब इसमें बस इतना ही करना है, कैपेसिटर डालना और बैरिंग डालना है। तो बैरिंग कैसे डालना मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, बैरिंग डालने से पहले आपको एक चाहिए मार्कर। तो दोस्तों देखिए, पहले आपको क्या करना है इस पे देखिए बॉडी पे प्रॉपर मार्किंग कर लेना है, क्योंकि मार्किंग नहीं करेंगे तो आपको मतलब मालूम नहीं होगा मोटर आपने निकाला कहाँ से है और किस दिशा में लगाना है। तो सबसे ज़रूरी काम है देखिए, मैं प्लेट पे और यहाँ बॉडी पे मार्किंग कर लिया। और एक चीज़ और देखिए, मोटर का दिशा मतलब इधर से आगे है तो थोड़ा आप यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर सकते हैं कि ये साइड आगे रहेगा। उसके बाद आपको बस मोटर को खोल लेना है। तो खोलना कैसे देखिए, पहले लॉक को निकाल देना है। लॉक निकालने के बाद देखिए पंखी में कोई भी एक आना चाहिए और देखिए पंखी एक बार में निकल जाएगी। उसके बाद देखिए 8 नंबर साइज होता है, 4 बोल्ट लगे होते हैं। तो ये स्टड ही खुल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल बोल्ट नट खुले। तो देखिए इसमें नट खुल रहा है। देखिए एक स्टड खुला और 3 नट देख सकते हैं, 3 नट। तो 3 नट खुल गया। अब देखिए प्लेट अपना मतलब अब निकाल सकते हैं ठोक के। तो इसको ऐसे ऐसे आपको चारों तरफ से देखिए चारों ओर से घुमा घुमा के चोट मार के निकालना है। एक साइड से निकालेंगे तो निकलेगा नहीं। ज़्यादा तेज मारेंगे तो प्लेट फूट जाएगा। देख सकते हैं दोस्त, ये प्लेट अपना निकल गया। अब देखिए इसको देख सकते हैं, बैरिंग ओपन है और ग्रीस व्रीस मतलब देख सकते हैं सूख गया है। अब देखिए बॉडी निकालना है आपको। तो क्या कीजिए, मोटर को यहाँ से पकड़ के देखिए ये अपना देखिए मोटर निकल गया बाहर, वाइंडिंग सही है। और देखिए बैरिंग अपना, देखिए ये 2 बैरिंग हमें निकाल के नया लगाना है। तो देखिए निकालने के लिए आपको पंप खोलना पड़ेगा पानी का। तो इसको 13 नंबर साइज
देख सकते हैं दोस्तों, चारों नट, देखिए चारों नट आपको खोल लेना है। खोलने के बाद ये पंप अलग हो जाएगा और निकलेगा इसमें से आपका इंपेलर, जो पानी को उसको भी खोलना पड़ेगा। देखिए दोनों साइड में इसमें 6203 बैरिंग लगता है और लगा भी हुआ है। किसी किसी में पीछे 6202 लगा होता है और किस ज़्यादा मतलब 6202 6203 आगे साइड में लगा होता है। इसमें दोनों में 6203 लगा हुआ है। देखिए खुल चुका। अब देखिए यहाँ से दो भाग नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से करना है। तो एक ही मैं इसी साइड में केवल चोट मारूंगा। जंग से पूरा मतलब जाम ही हो जाता है। दोस्तों देखिए ये अपना इंपेलर है, देख सकते हैं इसमें कुछ फंसा हुआ भी है, देख सकते हैं वही है पानी का जंग। और इधर देखिए इसका होल भी एक कचड़े से बंद हो गया है। तो इसको हटाते हैं साइड में। और देखिए इसको खोलना है तो कैसे खोलेंगे, इसका मैं बता दे रहा हूँ सिंपल जुगाड़। देखिए 15 नंबर इंच 15 साइज 15 mm है और इसको डालना है इसमें शाफ्ट में। किसी किसी मोटर में नहीं बना होता है, लेकिन देखिए इसमें कंपनी ने पट दिया है विंच लगाने के लिए, मतलब पाना लगा सकते हैं। और इसको चाहिए आप एक कोई भी पेचकस डाल लीजिए और देखिए पंप को ऐसे हल्का हल्का घुमाइए। अब देखिए इतना टाइट होगा कि कभी कभी क्या होता है इसको ड्राइवर ही अपना टूट जाता है, तो टूटने की चांस है। तो आप ज़्यादा मतलब नया स्क्रू ड्राइवर मत लगाइए, पुराना ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि नया टूट जाएगा तो नुकसान होगा। देख सकते हैं मैं पुराना डाल के खोली दिया इसको। अब इसके बाद देखिए अपना निकलेगा आईसी। देखिए वाशर लगा के टाइट किया हुआ है अभी आईसी को, आईसी भी देख सकते हैं दोस्तों सड़ गई है, देख सकते हैं ख़राब हो गई है आईसी। अब देखिए मैं पूरा निकाल लिया, अब इसको केवल बाहर निकालना है शाफ्ट को। तो यहाँ से आपको चोट मारना है, कैसे मारना है डायरेक्ट हथकड़ी से नहीं, ऐसे लकड़ी से। तो ऐसे आप मतलब ज़्यादा टाइट है तो ऐसे लकड़ी लगा के काफ़ी टाइट है। देखिए बैरिंग से नहीं निकल रहा है, ये शाफ्ट निकल रहा है, बैरिंग ज़्यादा टाइट है इसका, इसलिए मतलब निकलने में टाइम लगा रहा है। देखिए निकल गया, अब निकलना था मुझे बैरिंग, तो देखिए शाफ्ट से निकला है, अब यहाँ से तो ये बैरिंग निकल जाएगा पुराना बैरिंग। देखिए ये वाला तो मैंने ऐसे डायरेक्ट हीट करके निकाल दिया। अब देखिए इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए आपको एक शाफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो चेक कर लेंगे और सीधा बैरिंग पे लगा के आपको ठोकना है। तो ये नहीं काम कर रहा है भाई, अब देखिए कैसे नुकीला पिचकस टाइप का लगा के ठोकेंगे।
पकड़ नहीं रहा है तो थोड़ा मैं क्या करता हूँ, इसका जो आईसी का ये जो होता है इस अंदर जो लगा रहता है इसको भी निकाल लेंगे तो जगह मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, आपको ऐसा एक शाफ्ट ले लेना है, मतलब नहीं निकल रहा है, मैं भी दो तीन बार ट्राई किया तो शाफ्ट ले लेना है। और देखिए आईसील के पीछे से ऐसे डालना है और सीधा बैरिंग पे, देखिए बैरिंग पे आ गया। अब इसको एक ही चोट में पूरा बाहर निकलने लगेगा, तो देखिए बैरिंग आपको दिख रहा होगा निकल रहा है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर निकल के आ गया। और देखिए शाफ्ट भी मेरा बाहर आ गया है, देखिए तरीका है बस निकालने का। अब इसमें नया बस डालना है, मैं डाल देता हूँ। दोस्तों देखिए SCH नया मतलब दोनों बैरिंग, और देखिए मैं पुराना वाला साइड में कर देता हूँ। आईसील भी देख सकते हैं, मतलब एकदम ख़राब हो गया, टूट गया है, देखिए जंग लग गया है। आईसील भी इसमें नया डालना पड़ेगा, देखिए दो टुकड़े हो गए। अब देखिए बैरिंग कैसे लगाना है मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ग्रीस भरा रहता है कंपनी का, तो थोड़ा सा साफ पे से ग्रीस लगा लेना है। और ग्रीस लगाने के बाद ऐसे, और एक छिनिक मदद से देखिए इस पर आपको छूट नहीं लगाना है, इस पर अंदर वाले कॉलर पे देखिए ये लग चुका है बैरिंग, देख सकते हैं। और घर का भी वैसे ही देखिए अंदर वाले कॉलर पे, अब देखिए अकेले लगा रहा हूँ। बिल्कुल लग गया है, और देखिए ग्रीस इसमें मतलब कंपनी का डाला हुआ है, तो हम ग्रीस नहीं डालेंगे ऐसे ही। कवर मतलब झटके से गिर जाता है चोट लगने से, मैं इसको कवर को चढ़ा लेता हूँ। देखिए दोनों बैरिंग अपने नए लग गए। अब इसको देखिए लगाने के बाद इसमें देखिए एक चीज़ क्या है, इसको निकाला इसका, देखिए ये आईसी का मतलब एक साइड का कहिए तो इस पर रगड़ के चलता है आईसी, तो अपना ये मैं निकाला तो ये क्रेक मिला मुझे, क्रेक हो गया था, तो ये पुराना अब नहीं डालेंगे और इस साइज का इसमें नया डाल देंगे। तो इस साइज का देखिए मैं देखिए मुझे मिल गया ये साइज, अपना पूरा लगेगा। और ये देखिए चीना वाला जो जिसपे मतलब ये बना हुआ चीना, तो ये साइड आपका अंदर रहेगा और जो प्लेन साइड है वो प्लेन साइड ऊपर की साइड रहेगा। थोड़ा ग्रीस लगा के इसको भी डाल देते हैं, देखिए एकदम सेम साइज है, लग गया बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और इसमें इसको लगाना ज़रूरी होता है, इससे कि मान लीजिए जब आप ऐसे लगा लेंगे तो साथ में तो ये लगाने में थोड़ा दिक्कत आता है। अब इसको लगाने के लिए देखिए यहाँ थोड़ा सफाई करके थोड़ा सा ग्रीस डाल देंगे इस पे भी, देखिए ग्रीस लगा लिए। और इसको थोड़ा करके अब इसको ये रबड़ देखिए वाटर मतलब पंखी की साइड से जो आता है उसको नीचे गिराने के लिए लगा होता है, तो इसको लगा लेना ज़रूरी है। अब देखिए मैं इसको रबड़ को लगा लिया, और इसको यहाँ से डायरेक्ट हथौड़ी से ही मार सकते हैं। तो लग चुका है देखिए। अब इसमें आपको एक काम करना है, क्या आईसील डाल लेना है,
या तो आप मोटर ऐसे टाइट कर लीजिए या आई सील पहले डाल लीजिए, आपकी मर्जी। तो मैं पहले देखता हूँ, आई सील ही डाल देता हूँ, उसके बाद मोटर टाइट करिए। पहले ही लगा था इसमें, ये 12 नंबर क्लोज है, क्लोज आई सील लगा था। और मैं ओपन एक बार इसमें चेक करूँगा, ओपन आई सील 12 नंबर, चल कहाँ रहा है इसको चेक करना पड़ता है। चम्मच चाहिए एकदम हिसाब से सट की, चल तो सही रहा है लेकिन बाहर साइड। साइड सही है, इसमें पड़ जाएगा ओपन आईसी भी, आसानी से लग जाएगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल मतलब घिस के अपना ये दिखा रहा है, सही है, ओपन भी लग जाएगा इसमें। तो मैं ओपन आईसी इसमें सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रीस हल्का सा लगा दूँगा इसमें, थोड़ा साफ्ट पे बस लगा के इसको चढ़ा दूँगा। अब देखिए थोड़ा टाइट करने के लिए मतलब एक दो वाशर डालना पड़ेगा हमें, बिल्कुल दो वाशर, पहले तीन चार वाशर लगा के टाइट किया गया था इसको, देख सकते पुराना वाशर है, मैं नया डाल देता हूँ। एक पावर डाल देता हूँ, जो एक और लग जाए। हाँ सही है, चार वाशर अपन लग ही जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा थ्रेड पे ग्रीस लगा के इसको चढ़ा देता हूँ ट्रेलर को, इसको टाइट करना है। लग गया, अब इसको देख सकते हैं आई सील हमारा टाइट है अच्छे से। अब इसको थोड़ा रिंच लगा के, 15 नंबर रिंच लगा के ऐसे इसी तरफ पेचकस की मदद से ऐसे टाइट कर लेना, थोड़ा पतला ही लगेगा। मैं जो डाला था पहले उसी को डाल देता हूँ, टाइट हो गया। ये खुलता नहीं है क्योंकि ये विपरीत दिशा में चलता है। तो अब क्या, अब देखिए इसमें पूरा सामान मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको ग्रीस लगाना है, पंखी टाइट कर देना है, तो मैं पंखी टाइट कर ले रहा हूँ पहले। देखिए मैं थोड़ा जैसे कचरा उचड़ा था तो उसे मैं साफ कर लिया हूँ इस पे फेस पे भी। अब देखिए रबड़ पूरा मतलब बैठ गया है, अगर बैठ गया है तो लगे कि मतलब लीकेज की संभावना है, तो लीकेज हो सकता है, हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए, आपके पास अगर धागा रहे तो इसमें क्या करना है, दो राउंड, ज़्यादा नहीं, दो राउंड एक्स्ट्रा ऐसे आपको लपेट लेना है, तो इससे लीकेज की संभावना बिल्कुल नहीं रह जाती है। तो मैं जिसमें रबड़ डैमेज लगता है मुझे, उसी में ये इस्तेमाल करता हूँ ऐसे धागा, नहीं तो बाकी मैं नहीं करता हूँ। तो दोस्तों देखिए धागा मैं दो राउंड बस लपेटा हूँ, और धागा लपेटने के बाद थोड़ा सा ग्रीस इस पर ऐसे लगा देना है, और लगाने के बाद तब पंखी आपको टाइट करना है। दो राउंड देख सकते हैं, दो राउंड दिख भी रहा होगा, मात्र दो राउंड लपेटा हूँ। और बाइंडिंग वाला धागा है, कोई स्पेशल धागा नहीं है। तो मैं ग्रीस चारों साइड से लगाने के बाद, अब देखिएगा
अब इसको मैं डाल देता हूँ। इसी डालना कैसा है देखिए, ऊपर का साइड ऊपर रहेगा, उल्टा पुल्टा मत कर दीजिएगा। देखिए टाइट बैठा था, थोड़ा टाइट नहीं। मैंने इसको मतलब चोट मार के चिपका दिया थोड़ा सा इस पर, देखिए थोड़ा सा, देखिए आयल इसमें हल्का सा डाल देंगे चूड़ी पे, मतलब थ्रेड पे, बोल्ट के, देखिए बोल्ट पे भी। अब इसको टाइट करने में दिक्कत नहीं होगा। चार बोल्ट टाइट करना है, उसके बाद मोटर डालना है, मोटर का बोल्ट आपको टाइट कर लेना है, बस हो गया आपका। मतलब इतना ही करना है, रिपेयर हो गया, मतलब बैरिंग वरिंग आपने ऐसे करके। अगर आपके पास मतलब कि थोड़ा बहुत सामान है तो आप घर पे भी बैरिंग डाल सकते हैं, आसिन डाल सकते हैं। मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, टाइट करने के बाद मोटर को टाइट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए टाइट इतना करना है कि अपना, देखिए ग्रीस जब बाहर आने लगे तो समझ जाइए कि आपका मोटर मतलब एकदम बढ़िया से टाइट हो गया है। अभी देखिए इधर का बोल्ट चारों साइड से बराबर से चढ़ा लेना है। जब ग्रीस बाहर निकलने लगे और बोल्ट टाइट हो जाए तब आपको रोक लेना है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो बोल्ट टूट भी सकता है, मिस भी हो सकता है। तो इधर भी देख सकते हैं, इधर चारों साइड चिपक गया है, इधर थोड़ा बाकी है। तो इसमें पाना थोड़ा सिंक कर रहा था, मैं सादे पानी से थोड़ा टाइट करके, देख सकते हैं धागा बिल्कुल मतलब चिपक गया है और रबड़ भी चिपक गया है। अब इसमें लीकेज होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब इसको करेंगे टाइट, मोटर का बॉडी डालेंगे और थोड़ा इस पर आयल डाल देना है, स्लिप करके चढ़ जाता है जल्दी से। तो मोटर का बॉडी मैंने आपको बताया था मार्किंग किया हुआ, मार्किंग के साइड पे ऊपर से आपको जो चीना मारा है आपने, थोड़ा सा एक राउंड जाएगा इधर। यहाँ हमारा हो सकता भैया, मतलब मार्किंग मिला के मैं इसका बॉडी डाल दिया हूँ और कवर में देखिए थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है ऐसे कवर में, बैरिंग जहाँ बैठता है सफाई करके। और इसका भी देखिए मार्किंग है, यह था यहीं पे, यही वाला है, तो इस साइड ऊपर आएगा। देखिए लग गया, स्टार्ट लग गया है। मार तो इसको भी ओ
और इसके भी बोल्ट राइट खोल लेनी है। देखिए दोस्तों, टाइट करते वक्त इस पर थोड़ा चोट चोट मार के आप बराबर से टाइट कीजिए। देखिए पूरा सट गया है और देखिए मोटर फ्री हो गई है। तो मैं इसमें कंडेंसर ज्वाइंट करके आपको चला कर दिखाता हूँ। मैं इसमें देखिए कैपेसिटर नया लगाने वाला हूँ, क्योंकि कैपेसिटर पुराना ख़राब हो गया था और देखिए मैं नया लगा के मैं पुराना आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए पिन पूरा मतलब ख़राब हो गया है और इस पर मतलब जुड़ने से ख़राबी होगा और ये हीट होकर प्लास्टिक भी पिघल गया है। वो इसको नया डालना था तो मैं नया डाल दे रहा हूँ और मैं इसको लगाऊंगा वायर। अब चलाने से पहले पंप में थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि आई सील ख़राब नहीं होगी। मैं पानी थोड़ा सा इसमें तो देखिए दोस्तों, मैं कंडेंसर इसमें फंसा लिया और देखिए पंखी भी मैं पीछे से डाल लिया। पंखी रहेगा तो आपको दिखेगा मतलब मोटर चल रही है कि नहीं। भी मैंने लगा लिया, थोड़ा पिन को दूर दूर कर देना है ताकि निकले ना। दोस्तों देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए मैं चला के दोस्तों दिखा रहा हूँ आपको। इसको यहाँ वायर पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा वायर छोटा है तो मैं बोर्ड पर पीछे कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल अपना मोटर मतलब देखिए चल रही है और देखिए आवाज़ बिल्कुल मतलब कुछ भी आवाज़ नहीं है। तो देखिए अब इसमें बस यही करना है, कैप पीछे का लगा देना है और जॉइंटों को टिप मार देना है। तो इतना ही करना पड़ता है दोस्तों बैरिंग डालने के लिए, और आई सील भी मैं साथ साथ डाल के दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले दिन अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।